तो ये देख लीजिए, ये इस तरह का बोर्ड देख लीजिए, ये किस तरह का बोर्ड है शायद आप लोग पहली बार देख रहे होंगे। ये इसमें दो बोर्ड है, ठीक है, ये दो बोर्ड जो घर में लगता है या वो बोर्ड है, ठीक है, ये दो बोर्ड एक साथ में है, ठीक है, देख सकते हैं कितनों, इसको कुछ भी करने पर जो है ना ये नहीं खुलने वाला है, नहीं निकलने वाला है। इसमें सिंगल पिन वाला है, सिंगल प्लॉक वाला है, ठीक है, और सिंगल प्लॉक वाला में दो चार्जर को यहाँ पे कनेक्ट, ताकि दो मोबाइल चार्ज हो आराम से, इसको कहीं भी रख सकते हैं, चाहे कोई भी चीज़ को इसको चार्ज कर सकते हैं। और इसको क्या जुगाड़ लगाकर इसको तैयार किया गया है, सो हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, और आप भी इसको कर सकते हैं बहुत इजी तरीका से। जैसे एक केबल है, ठीक है, और इसको हम खोल के दिखाएंगे आपको, पूरा दिखाएंगे। और एक केबल जो है ना, एक केबल आप देख सकते हैं ये कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, एक केबल यहाँ पे देखिए, एक केबल आ गया यहाँ पे बोर्ड में, और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी एक जुगाड़ लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जुगाड़ ये लगा हुआ है कि ये एक सॉकेट बोर्ड है, ठीक है, ये सॉकेट है, ये मेरा मेन बोर्ड, ठीक है, और ये थ्री प्लॉक वाला है, थ्री प्लॉक वाला जो है ना यहाँ पे थ्री प्लॉक वाला यहाँ पे ये लगा हुआ है, देख सकते हैं ये, और इससे केबल निकला हुआ है, ताकि आप इसके जगह पे जो यहाँ पे इस कनेक्टर है अगर यूज़ करना हो तो आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आप ज़्यादा यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए ये इस यहाँ से आप ये जो है ये बोर्ड है, इस बोर्ड से आप चाहे तो कहाँ से ले सकते हैं कनेक्शन, यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से भी कनेक्शन ले सकते हैं, यहाँ से भी कनेक्शन ले सकते हैं, यहाँ से भी चाहे तो कनेक्शन ले सकते हैं, और नीचे में जो है ना एक और है, तो चाहे तो आप एक ऐसा केबल को आप और नीचे से कनेक्ट करा के एक और कनेक्टर तैयार कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह का आप बना सकते हैं। ये काफ़ी मतलब कम कीमत के लिए जो बताएं, देखिए अभी यहाँ पे सप्लाई नहीं था लेकिन सप्लाई आ गया यहाँ पे, इसको अगर ऑन हटाएं तो देखिए यहाँ पे, क्योंकि इसका लाइट आता है, तो इस लाइट को बंद करने के लिए थोड़ा रेड टाइप का लाइट ले, तो यहाँ पे हम टेप को चिपकाए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये स्विच है, ठीक है, ऑन ऑफ का, तो ये ऑन ऑफ का यहाँ पे स्विच है, तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे ऑन कर देंगे, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे लाइट है, वोल्टेज भी हम आपको दिखा देंगे यहाँ पे कितना वोल्टेज इस पर आ रहा है। जैसे हम आपको एक सिंपली एक मोबाइल को जो है ना, यहाँ पे मोबाइल को हम चार्ज में लगा के हम आपको दिखा देते हैं, जैसे मोबाइल को हम यहाँ पे चार्ज में लगा रहे हैं, तो यहाँ पे सप्लाई आ रहा है, दोनों में सप्लाई है, देखिए यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि ये एकदम बोर्ड रनिंग बोर्ड है, और यहाँ से इसको देखिए यहाँ पे ऑफ करेंगे, यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इसको ऑन करेंगे, यहाँ पे ऑन हो जाएगा, यानी ये ठीक है, ओके है, ठीक है, और ये हम आपको ये अब इसमें दिखा देते हैं कि इसको किया कैसे गया है, ठीक है, इसको बनाया कैसे गया है, इसको कैसे कनेक्ट किया है, इसको जोड़ा नहीं गया है, मतलब इसको किसी चीज़ से चिपकाया नहीं गया है, ठीक है, इसको बिना चिपकाए हुए ये बोर्ड है काम कर रहा है, तो इसको क्या कैसे काम कर रहे हैं हम आपको दिखाते हैं, कैसे इसका कनेक्शन किया गया, तो वो भी हम आपको इसको दिखा देते हैं, ठीक है, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दिए। काफ़ी मतलब एक से एक जुगाड़ वाला टेक्नोलॉजी वाला हम आपको दिखाएंगे, ताकि आप नॉर्मली घर में आप कर सकते हैं, कहीं उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, इस तरह का जो है आप आराम से घर में भी बना सकते हैं। चलिए हम आप उसको खोलते हैं, पहले टूल्स लेते हैं, टूल्स लेकर खोल, आप देख सकते हैं वोल्टेज को देख सकते हैं यहाँ पे 200 करीबन यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यानी 234-35 वोल्ट सप्लाई यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप वोल्टेज लगभग देख लिए, और यहाँ पे अब हम सिंपली यहाँ पे अब यहाँ से हम जो ये बोर्ड है, इस बोर्ड से हम पहले इस कनेक्शन को हम खोल देते हैं, ठीक है, खोल के निकाल देते हैं, पूरा फुल सेफ्टी, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तब यहाँ पे हम टूल्स लेंगे और यहाँ पे हम इसको लगा लेते हैं खोलने के लिए, खोलने के लिए जुगाड़ ज़रूरी है, ठीक है, और ये रहा अपना, ये सब तो चार्जर है, चार्जर को हटाएं, और ये रहा अपना ये टोटल बोर्ड, जुगाड़ वाला बोर्ड, ठीक है, ये जुगाड़ वाला अपना बोर्ड है, इसको अभी हम साइड कर लेते हैं, चार्जर को हम साइड कर लेते हैं, ठीक है, और ये रहा अपना बस जो जुगाड़ वाला जो बोर्ड है, सो अपना ये जुगाड़ वाला बोर्ड है, ठीक है, अब इस जुगाड़ वाले बोर्ड को हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम यहाँ से अपना खोल लेते हैं, ठीक है, इसको खोलते हैं, तब तक आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग जो है इसको देख के इसको सीख सके, जान सके, समझ सके, क्योंकि बहुत सारा चीज़ इसमें अभी आपको देने वाले हैं, बहुत सारा चीज़ इसमें देने वाले हैं, एक से एक बड़ा बड़ा बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा जुगाड़ जो आप घर में आप कर पाइएगा आसानी से इजीली, और एक नया चीज़ जो कर पाइएगा, इससे ज़्यादा ट्रेनिंग वगैरह के लिए लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये देख लीजिए, इसके जो अंदर का जो है, अंदर का कुछ नहीं है, अंदर कुछ नहीं है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जुगाड़ क्या लगा हुआ है, ठीक है, ये तो हमारा
यहाँ से कनेक्शन हो गया है, कनेक्शन आ रहा है इसके लिए, ठीक है। और यहीं से जो है ना, यहीं से इसमें जा रहा है, ठीक है। और इसमें किए क्या हैं देख सकते हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये नट बाल्टू से कसा हुआ है, ठीक है। नट बाल्टू से यह कसा हुआ है, ठीक है। और ये ऐसा जोड़ है, ये कभी टूटने वाला नहीं है, ना ही टूटने वाला है, ना हिलने वाला है। इसको किए कैसे हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं, आखिर इसको किए कैसे हैं। पहले हम इसको भी खोल लेते हैं ताकि आपको सही से पूरा दोनों दिख जाए, कनेक्शन भी पूरा आपको दिख जाए, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ नहीं है। और इसको आप इजीली घर पे कर पाइएगा, लेकिन ज़रा होशियारी से कीजिएगा, किसी भी तरह का सेफ्टी के साथ में कीजिएगा, क्योंकि लाइट लाइन अगर हो तो कभी भी इसको छूकर जो है ना, आप कभी भी ट्राई नहीं करें, ठीक है। देखिए अब इसके अंदर, देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या माजरा है, ठीक है। देखिए है क्या कि ये हमारा जो एक मेन सप्लाई जो है ना हमारा इसमें आ रहा है, ठीक है, यहाँ से आ रहा है, यहीं से जो है ना, फिर जो है ना डायरेक्टली यहाँ से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसमें, इसमें, ठीक है। तो फाइनली हम इसको पूरा कस दिए हैं, कनेक्शन शायद आप लोग देख के समझ गए होंगे, इसका यही इसका राज है, जो राज आप देख लिए, रह गया बात इसका, तो इसका भी राज हम आपको दिखा ही देते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। कोई कन्फ्यूज़न अगर हो तो आप हमें बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आप बताने के लिए ही हैं, और दिखाने के लिए कुछ नया, कुछ समझाने के लिए, कुछ नया सिखाने के लिए। तो ये हम इसको फाइनली इसको हम खोल दिए, ठीक है, इसको हम खोल दिए हैं। खोलने के बाद इसका देख सकते हैं, इसको कनेक्शन इसमें क्या किए हुए, ठीक है। इसमें कुछ खास कनेक्शन नहीं किए हैं, बस वही सॉकेट बोर्ड है जहाँ पे आप लॉक ये दोनों लगाते हैं, उसी दोनों पिन पॉइंट पे इसको हम कनेक्ट करा दिए हैं। कनेक्ट करा कर इसको यहाँ से अच्छा से इसको धाकर यहाँ से टेप वगैरह लगा के, ताकि कोई कनेक्शन एक दूसरे में कहीं से फंसे नहीं, ये कनेक्शन लेकर हम इसमें डाल दिए हैं। डालकर जो है ना सिंपली बस इसको करना कुछ नहीं है, बस इसको डालकर इसको बिल्कुल फिट कर देना है, ताकि ये सही से अपना जगह पर बैठ जाए। तो ये बैठ जाएगा, कहानी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया है अपना, ठीक है, ये अपना हो गया, बस इसको डाल दिए, कस दीजिए, फिट हो गया आपका डबल बोर्ड वाला सॉकेट तैयार। अब इस बोर्ड को आप कहीं भी ले जाकर कहीं भी दौड़ाइए, पढ़ाइए, उड़ाइए, कुछ भी करिए, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसको एकदम आप इसको जैसे इसको हम बनाए हैं, इसीलिए बनाए हैं इसको, क्योंकि हम क्या होता है ना कि ये लंबा लेंथ है, और मोबाइल को जो है ना हमेशा अपने पास में रखा जाता है, और उस कभी कभी डिस्चार्ज ना हो, डिस्चार्ज वगैरह होने लगता है, तो उसको चार्जिंग के लिए, ताकि सेफ और अच्छा सिक्योर काम करे, तो उसके लिए ये बेसिकली हम बनाए हुए हैं। तो अगर चाहे तो अगर कोई किसी और रूम में अगर हमको भेजना है इसी तरह का बोर्ड को, तो आप एक सिंपली अब एक यहाँ से निकाल दीजिए, वो यहाँ से अपना दूसरे रूम तक भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आपको कैसा लगा ये चीज़, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको कुछ नया कुछ जानना हो तो भी बताइएगा। बिल्कुल एक चीज़ हम और आपको दिखा देते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसका भी हम आपको लेकर आए कि ये इसका कनेक्शन कैसे हुआ है, गजब का ये भी है, इससे पहले भी हम आप बताए थे, कहिएगा तो इसका भी हम बताएंगे। ये देखिए वायरलेस चार्जर, ठीक है, ये इस तरह का कैसे है, इसमें भी आप प्लग लगाइएगा या आपको चार्ज, नो एनी वायर, दिस इज बैटरी, और ये आपको इतना ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई देगा कि आप समझ नहीं पाइएगा। इसका भी कनेक्शन कैसे होगा ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए आगे तक। कैसा लगा कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।